इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर ये कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठ को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न भर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? अध्याय दो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो।
पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अध्याय 3। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो उसका घर हम हैं। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, तो हम मसीह के भागी हुए हैं, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही। उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे?
केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अध्याय 4। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनाने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब वो बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अध्याय 5। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है, और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला।
इसके विषय हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। अन्न स्यानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। अध्याय 6। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का सात पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकीसदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए की रीति पर प्रवेश हुआ है। अध्याय 7। ये मलकीसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महान था
जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में भी ना था, इब्राहिम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा दशवां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकिसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय ये अपने पिता की देह में था। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता मिल सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकिसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा के याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलकिसदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया कि तू मलकिसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। कारण के मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने पाप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। अध्याय 8। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था
उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हरे अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अध्याय 9। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थीं। और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, उसने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू
जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है कि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिराश को प्राप्त करें। जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। यदि ऐसा होता तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अध्याय 10। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वो कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर ये भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर
परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में खुशकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे, कुछ तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। सो अपना हयाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अध्याय 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है,
ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसा पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्व धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा और वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुए में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से प्रत्येक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दनवट किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए
जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़ी। विश्वास ही से रहा वैश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश ना हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक और समसून का, इफ्ती का, दाऊद और शामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, कई पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। अध्याय 12। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बार न जान, और जब वो तुझे खुड़के तो हयाब न छोड़। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो
कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवार किया जाए। वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाविल के लहू से उत्तम बातें कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अध्याय 13। भाईचारे की प्रति बनी रहे, पहनवाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनवाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। जिनके साथ बुरा वर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री ग्रामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं,
वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इन उपदेशों की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम ये जान लो कि तिमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।